हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं वेद प्रकाश त्रिपाठी आपका आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं। प्रिय दर्शकों, कोई भी देवी या देवता का पूजन करते हैं उससे पूर्व, पूजन से पूर्व तैयारी की जाती है। प्रिय दर्शकों, इसी तैयारी के विषय में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पूजन प्रारंभ करने से पूर्व इन बातों का रखें विशेष ध्यान। प्रिय दर्शकों, पूजन प्रारंभ करने से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें। पूजन प्रारंभ करने से पूर्व पूजन सामग्री व्यवस्थित करके थाली में रख लें। जिस स्थान पर पूजन करना हो उसे पवित्र करके यथा स्थान आसन लगावें। गंगा जी की बालू या मिट्टी रखकर उस पर अष्टदल कमल की आकृति बनाकर मिट्टी का या धातु का कलश रखें। कलश में रोली से स्वास्तिक बनावें एवं उसके गले में कलावा बांधें। कलश के ऊपर एक प्याले या कटोरे में धान्य या चावल भरकर रखें तथा उसके ऊपर नारियल लाल वस्त्र में लपेटकर या कलावा लपेटकर रखें। कलश के सामने आटा, हल्दी, अबीर आदि से अष्टदलाकृति बनाकर किसी प्याले में पीला या लाल चावल भरकर उसके ऊपर हल्दी से अष्टदल कमल बनाकर गाय के गोबर की गौरी एवं सुपाड़ी में कलावा लपेटकर गणेश जी बनाकर रखें, गौरी जी में भी कलावा लपेट दें। कलश के दाहिनी ओर ईशान कोण में रोली या चावल से षटकोण बनाकर घी का दीपक जलाकर रखें। कलश के बाईं ओर षोडश मातृका का एवं षोडश मातृका के बाएं या पीछे सप्तघृत मातृका का पूजन करें। पूजन की सामग्री एवं पूजन के लिए जलपात्र यजमान के दाहिनी ओर रखें। कलश से दक्षिण ईशान कोण में नवग्रह वेदी का निर्माण करें। जिन देवता का मुख्य रूप से पूजन करना हो उनके लिए पूर्व दिशा में से मध्य में प्रधान वेदी यानी सर्वतोभद्र अथवा लिंगतोभद्र के ऊपर मध्य में एक कलश स्थापित कर कलश के ऊपर सिंहासन में प्रधान देवता की स्वर्ण प्रतिमा या उपलब्ध मूर्ति स्थापित करें। पूजा में कुश निर्मित या ऊन का आसन प्रयोग करें, किंतु स्त्रियों के लिए कुश आसन उचित नहीं है। पूजन में तांबे या कांसे आदि धातु के बर्तन का प्रयोग करें, किंतु दूध दही रखने में तांबे का प्रयोग वर्जित है। पंचामृत, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, शहद एवं शक्कर मिलाकर पंचामृत बनता है। पंचामृत में केवल इन्हीं पांच द्रव्यों को मिलावें। पंचमेवा का प्रयोग पृथक रूप से नैवेद्य में किया जाना चाहिए। पूजन में उतावलापन ना करें, श्रद्धा से भगवान की पूजा करें। आचार्य के निर्देशानुसार पूजन करने से ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, किसी योग्य वैदिक एवं तपस्वी ब्राह्मण को ही आचार्य बनाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हमारे संस्थान द्वारा सभी प्रकार के धार्मिक पूजन पाठ, जप, हवन, अनुष्ठान वैदिक पंडितों द्वारा वैदिक विधि से करवाया जाता है, जिसके लिए आप सुबह 10 बजे से सायं तक संपर्क कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आप हमसे ज्वाइन होने के लिए YouTube एंड टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। प्रिय दर्शकों, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस तरह के नए वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जय महाकाल प्रिय दर्शकों।